नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, ये कुछ हमारे सोशल लिंक है जहाँ से आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, और अगर आप चाहो तो क्लासेस और नोट्स इंस्टा मुझे पर जाकर खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारे विषयों के वीडियोज़ मिल जाते हैं, हमारे वीडियोज़ भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है जहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी के प्रेरणा स्रोत रहे महापुरुष स्वामी विवेकानंद द्वारा एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। तो ये मेरा इनके द्वारा कही गई वन ऑफ द फेवरेट कोट है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई सा भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ कभी भी असफलताओं से घबराइए मत। ये तो एकमात्र चरण है जिसको पार करके आपको सफलता की ओर आगे बढ़ना है। तो अपने आप पर हमेशा विश्वास रखिए, और चलिए इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम आज की क्लास आरंभ करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरा क्लास पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि डेली करंट अफेयर सीरीज़ के जो मैं वीडियो लाता हूं, तो वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। कल का ये सवाल था, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सभा के किस पूर्व महासचिव का निधन हो गया है। ठीक है, काफ़ी लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, और जो भी कमेंट करते हैं मैं देखता हूँ, मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। तो प्लीज़ आप लास्ट तक वीडियो देखिए और कमेंट जरूर कीजिए, जवाब का जो है कमेंट जरूर कीजिए। तो इनके संदर्भ में आपको एक दो तथ्य और बता देता हूँ। इनको ये जो है पहले अश्वेत ऐसे अश्वेत व्यक्ति थे जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सभा का महासचिव बनाया गया था। ठीक है, और दूसरी बात, इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है, शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में हाल ही में किस राज्य ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अटल नगर करने की घोषणा कर दी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर है वो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर। ठीक है, तो नया रायपुर का नाम बदलकर अब कर दिया जाएगा अटल नगर। तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा ये घोषणा कर दी गई है कि इसकी जो राजधानी नया रायपुर का नाम बदलकर अब अटल नगर कर दी जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक खेल है सेपक टाकरा, आप शायद पहली बार सुन रहे हो, मैंने भी इसे पहली बार जब पढ़ा तो पहली बार सुना। सेपक टाकरा खेल में भारत ने एशियन गेम्स की इतिहास में पहली बार, ठीक है, पहली बार एक खिताब जीता है। तो आपको बताना है कौन सा खिताब अपने नाम किया है। तो ये इसका राइट आंसर कांस्य पदक। ठीक है, तो दोस्तों सेपक टाकरा गेम के बारे में आपको एक दो चीज़ बता देता हूँ। सेपक टाकरा जो गेम है वो वॉलीबॉल गेम से काफ़ी मिलता जुलता है। इसमें सिंथेटिक फाइबर गेंद से खेला जाता है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर गेंद से खेला जाता है। खिलाड़ी पैर, घुटने, छाती एवं सिर की मदद से ये गेम खेलते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो गूगल में ये गेम के बारे में सर्च करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, 16 वर्षीय सौरभ चौधरी ने एशियन गेम्स में भारत को 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में कौन सा पदक दिलाया है। तो इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक, और ये शूटिंग का पहला स्वर्ण पदक रहा एशियन गेम्स 2018 जो अभी चल रहा है। ठीक है, इससे पहले इसी रेंज में 10 मीटर एयर पिस्टल के शूटिंग में ही दीपक कुमार द्वारा रजत पदक जीता जा चुका है। ठीक है, तो पहला स्वर्ण पदक शूटिंग में किनके नाम हो गया, सौरभ चौधरी। ये मात्र 16 वर्ष की उम्र के हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, सॉरी चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, होने वाले राज्यसभा चुनाव में नोटा, नोटा का फुल फॉर्म आपको बता दूं, नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द अबो, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस जो विकल्प है इसको किसके द्वारा रद्द कर दिया गया आपको बताना है। तो आपका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, मैं आपको इसको और अच्छे से बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले राज्यसभा चुनाव में नोटा का विकल्प को रद्द कर दिया है, और कारण क्या बताया है। नोटा जो है केवल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष चुनाव, जिसे डायरेक्ट वोट भी कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव के लिए लागू होगा। ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव के लिए नोटा विकल्प को रद्द कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर, हाल ही में छत्तीसगढ़ का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, टी पी शर्मा। टी पी शर्मा को छत्तीसगढ़ का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। और ये जो टी पी शर्मा थे वो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेनानिवृत्त न्यायाधीश रह चुके हैं। ये राज्य के चौथे प्रमुख लोकायुक्त होंगे। कौन से नंबर के होंगे, चौथे नंबर के ही होंगे। ये न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव की जगह लेंगे। ठीक है, तो इन सारी बातों को भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे छठे क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच पहली बार एक संयुक्त अभ्यास हुआ है 20 जनवरी
सॉरी 20 अगस्त 2018 को। तो 20 अगस्त राजीव गांधी जी का भी जयंती था, 20 अगस्त याद रखिएगा। 20 अगस्त को शुरू हुआ, इसे किसके नाम से जाना जाएगा? तो इसका सही आंसर है एलोंग शक्ति। ठीक है, आपको याद रखना है एलोंग शक्ति, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि पहली बार ये हो रहा है। इसरो द्वारा स्थापित चंद्रयान प्रथम से प्राप्त डेटा को उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने चंद्रमा में किसकी उपस्थिति की पुष्टि की है? ठीक है, तो आपको इसका जवाब मैं बता दूं, ये जो है इसका आंसर है बर्फ। अंतरिक्ष यान चंद्रयान एक से प्राप्त डेटा का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने चंद्रमा में बर्फ की उपस्थिति पुष्टि की है और बताया कि ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे अंधेरे और सबसे ठंडे हिस्सों में बर्फ जमे होने की आशंका है। ठीक है, तो ये बताया गया है जो भारत के वैज्ञानिकों द्वारा, इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा। और आपको चंद्रयान प्रथम के बारे में एक बात और बता दें, ये जो है 2008 को इसरो द्वारा जो है छोड़ा गया था, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में गोपाल कृष्ण गांधी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसको याद रखिए आप, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। 20 अगस्त को दिया गया है, राजीव गांधी का जयंती था 20 अगस्त को। और 20 अगस्त को 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस भी मनाया गया था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी कर किसे मौलिक अधिकार की दर्जा देने की बात की गई है? ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये जो है आंसर आपका खेल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा है कि मौलिक अधिकार का हिस्सा खेल जो है बनना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसके लिए जो है चित्रात्मक चेतावनी जारी की गई है? ठीक है, प्लास्टिक, ड्रग्स, शराब या तंबाकू, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है तंबाकू। ठीक है, तो तंबाकू का जो है आपको इसके जो है खतरों को देखते हुए सरकार द्वारा नई चित्रात्मक चेतावनी, इनके जो भी प्रोडक्ट होंगे उनके पैकेट में ये जारी किया जाएगा। तो ये भी एक आपके लिए एक नई चीज़ होगी, उसको आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ होगी दोस्तों। अब आज को जो आपको आज का सवाल पूछेंगे, ठीक है, आज का सवाल जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, आज का सवाल है, हाल ही में भारत ने अपना एंटी टैंक मिसाइल हेलिना तथा स्वदेशी डिजाइन और विकसित बम स्मार्ट एंटी क्राफ्ट वेपन, ठीक है, जिसे सौ भी कहा जाता है, इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो आपको इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करके देखना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।